है कोई महरम राज न मिलदा की हाल सुनावा दिल दावे कोई महरम राज न मिलदा राजन राजन कूक प्रेम मेनु राजा मिलिया ना ए मेनु राजा मिलिया ना ए रब मिलिया जे मेनु राजा जे ना मिलिया रब राजे जेर बिना तको मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया ओ पढ़ पढ़ इल्म किताबा वाला नाम रखायो काजी वाला नाम रखायो काजी ओ मक्के जाकर हज पढ़ आयो नाम रखायो हाजी ओ मक्के जाकर हज पढ़ आयो नाम रखायो हाजी और शमशीर मुजाहिद वाली नाम रखायो काजी और शमशीर मुजाहिद वाली नाम रखायो काजी ओ बुल्ले शाह ने कुछ नहीं कीता बुल्ले शाह ने कुछ नहीं कीता ओ बुल्ले शाह ने कुछ नहीं कीता यार न कीता राजी मेरा पिया काली दित्ता जवाब मजनू मिया
सब मिलके पागल समझते हैं और अकेला मजनू सबको पागल समझता है। कहता है, दित्ता जवाब मजनू मिया, वे जा तेरी अख नहीं वेखन वाली। और दलील क्या देता है? कुरान करीब दे वर्क ने चिट्टे, कुरान करीब दे वर्क ने चिट्टे, उत लिखी है स्याही काली। वे भुलिया जिते दिल लड़ जावे, वे भुलिया जिते दिल लड़ जावे, फिर की गोरी की काली। वे मेरा पिया घराया, मेरा पिया घराया, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजाए, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजाए, रात बसल दी पया घटावे, बात जपावे, बात जपावे, हटो जा सुटो घड़ी यालनी, मेरा पिया घर आया, बुलालनी, मेरा पिया घर आया, बुलालनी, मेरा पिया घर आया, 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 मेरा पिया घर आया। दिल लड़ जावे फिर की गोरी की काली, बे मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजाए, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजाए, रात बसल दी पया घटावे, रात बसल दी पया घटावे, मेरे दिल दी बात जपावे, मेरे दिल दी बात जपावे, हटो जा सुटो घड़ी यालनी, मेरा पिया घर आया, बुलालनी, मेरा पिया घर आया, बुलालनी, मेरा पिया घर आया, 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 मेरा पिया में दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, पर फिर भी कम निकले। आप सबसे इजाजत लेते हुए शब्बा खैर। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी। धूल मिट्टी से भरी हवा है नई दिल्ली, धूल मिट्टी से भरी हवा है नई दिल्ली, उसके बालों के चमेली के फूल की दुकान है नई दिल्ली, लोग आते हैं हर तरफ से यहाँ, घूरता सबको मिलता है नई दिल्ली। जिंदगी में अच्छी चीज़ें खतरे के बिना नहीं आती, जिंदगी में अच्छी चीज़ें खतरे के बिना नहीं आती, हिम्मत है तो टॉफ खाकर देखो, चटपटे पकवानों का दरबार है नई दिल्ली, पाई पाई के लिए लड़ाइयाँ होती है यहाँ हर रोज, क्या सही है क्या गलत है पूछता है नई दिल्ली। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो यहाँ ना मिल पाए, मौजे और सपने जोड़ों में बेचता है नई दिल्ली, मौजे और सपने जोड़ों में बेचता है नई दिल्ली। थैंक यू। दिल्ली ने देखे उर्दू के सबसे मशहूर शायर मीर ताकी मीर, मिर्जा गालिब, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक, सब ने अपने लफ्ज़ों और कलामों से दिल्ली और दिल्ली वालों को सालों से जोड़ रखा है। इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़े कदरे सुखान, कौन जाए ज़ौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर।
उर्दू और दिल्ली का रिश्ता बेहद पुराना है। क्या आपको मालूम है कि जामा मस्जिद के पास एक उर्दू बाज़ार भी है? दिल्ली को एक वक्त पर उर्दू मोहल्ला कहा जाता था और उर्दू को ज़ुबान मोहल्ला। उर्दू के बारे में गुलजार साहब लिखते हैं, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़ुबान का, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़ुबान का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़ुबान पर के जैसे पान में महंगा किमाम घुलता है। और वो आगे लिखते हैं, बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़ुबान में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। इसी के साथ मैं अभी के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ। इस शेर व शायरी के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी शुभ्रा जी को, जो अपना लिखा एक कलाम हमें सुनाएंगी। शुभ्रा जी प्लीज़। शुक्रिया सुप्रिया जी। अभी अभी मैंने थोड़ी सी कविता लिखनी शुरू की है, और मेरी पहली कविता जो मैंने लिखी वो मैंने सोचा कि मैं लिखूं कि मैं कौन हूँ, और इसी जो खोज की अभिव्यक्ति आपको इस पोएम में मिलेगी। तो शीर्षक है मैं कौन हूँ। मैं ना तो ये जिस्म हूँ, ना ये जान हूँ, ना ये नाम हूँ, ना ये शक्ल हूँ, ना ये ज़ुबान हूँ। इन दायरों में ना ढूँढो मुझे, मैं हूँ इन दायरों से कोसों परे। छुपी हुई हूँ कुछ इस तरह के छू ना पाओ, मिलके भी मिल ना पाओ, बस एहसास की पलकों को छपक कर महसूस कर पाओ। मैं हूँ उन उन्मुक्त उड़ानों में जो परिंदों के बच्चे फड़फड़ाते परों से भर लेते हैं बेफिक्र पहली बार बेखबर। मैं हूँ उस उजाली उम्मीद की रोशनी में जो चीर के धुंधले अंबर पर ले आती है सुनहरी खिलखिलाती धूप और देती है एक नए बेहतर कल का स्वरूप। मैं हूँ उस गहरी अकेली गूंज की तन्हाइयों में जहाँ कभी खुद से हैरान मिल जाती हूँ मचल कर, और जान लेती हूँ पहचान लेती हूँ अपना असल। मैं हूँ सुरताल में लिपटी सरगमों के उतार चढ़ाव में डुबकी लगाती तैरती गुनगुनाती मदहोश मदमस्त मौज मनाती। मैं हूँ उस पानी की कलकल में उस पवन की एक लहर में उस शमा की सरगोशी में इस धरा के कणकण में बहती लहराती झिलमिलाती मिट्टी से निकली फिर मिट्टी में मिल जाती कुछ ना होने का एहसास दिलाती। उन उन्मद उड़ानों में उन उम्मीदों में उन लहरों में धरा की गहरों में कहीं सिमटी हुई कहीं बिखरी हुई मिल जाऊंगी, कहीं शर्माई हुई कहीं भरमाई हुई दिख जाऊंगी। बसती हूँ जहाँ बेपरवाह बेखबर, जीती हूँ जहाँ बेखौफ बेनजर। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, थैंक यू शुभ्रा जी। दिल्ली का रिश्ता फ़न यानी कला से बहुत पुराना है, भले ही वो मौसिकी हो या रकास की महफिल। अगर आपने मिर्ज़ा गालिब पे बना सीरियल देखा है तो आपको याद होगी, दिल ही तो है ना संगो किश्त पे थिरकते पैरों के घुंघरुओं की आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं उसी समय की एक झलक दिखाने। पेश है पेरेंट कलेक्टिव की डांस टीम, जो आज के एक तराने पर कथक की पेशकश करने वाले हैं। Thank you.
लगे लहर जब दौड़ पड़े पूरे जिस्म में, बिन कहे बिन सुने जब बात दिल की दिल तक पहुंचे, वो बात और कहां जो बात है नित्य में। जब थिरकते अंग एक कहानी बयां करते हैं, जब थिरकते अंग एक कहानी बयां करते हैं, जब घुंघरुओं की गुंजन उसी कहानी में रस भरते हैं, जब उंगलियां बन जाती हैं होठ और आंखें जीवा बन जाती है, कथक शैली ही कुछ ऐसी है, आंखों के रास्ते दिल में उतर जाती है, आंखों के रास्ते दिल में उतर जाती है। थैंक यू गौरव। ये गली अब कासिम जान की नहीं रही, सबसे बड़ा नाम यहाँ टिंकू शादी कार्ड वाले का दिखाई देता है। इस गली में बैठे शेर लिखने की कोशिश में भी भंगड़ा, रैप, फिल्मी गीत और आजा का एक मिश्र सुनाई देता है। जहाँ एक समय पे तन्हाई में बैठ के सिर्फ अपनी सोच को देख और सुन पाता था, एक सुकून महसूस होता था। अब तो दुकानदारों की चीखें, मजदूरों की गालियों की आवाज़ों को सुन और समझने में समय बिता देता हूँ। सोचता हूँ अभी तो गया था, ये कब हुआ कि दिल्ली इतना बदल गया। गालिब ने दिल्ली को शायरी दी है जो आज भी इसकी गलियों में गूंजती सुनाई देती है।
उनकी हवेली में आज भी जब कोई जाता है तो महसूस कर सकता है उस इंसान के जीवन के कुछ पहलू. डाउन अ क्वाइट बल्ली मारा लेन इन दिल्लीज़ चांदनी चौक स्टैंड्स अ हवेली लाइक मैनी अदर्स इन दिस हिस्टोरिक पार्ट ऑफ द इंडियन कैपिटल. एन ओल्ड डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर विद अ सेमी सर्क्यूलर ब्रिक आर्च एज इट्स एंट्रेंस दिस मैंशन वॉज वंस होम टू मिर्जा असदुल्ला खां बेटर नोन एज गालिब वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड कोटेड उर्दू पोएट्स. द हवेली वॉज प्रेजेंटेड टू गालिब by a hakim who was an ardent fan of his poetry. It was here that Ghalib wrote some of his finest ghazals and recited them to a huge audience every evening. After Ghalib's death in 1869, the crestfallen hakim who had presented the haveli to Ghalib would go and sit there for hours every evening, refusing to let anyone occupy it.